Hello students, today we are going to discuss about statistics class 10 chapter 14 part 3. Part 1 में हमने discuss किया था main, part 2 में हमने discuss किया mode. आज हम part 3 में discuss करने जा रहे हैं mean कैसे निकालते हैं. तो class interval given है और frequency given है. क्लास इंटरवल है 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145 एंड 145 टू 165 और 165 टू 185 और 185 टू 205. ठीक है. और ये है 4, 5, 13, 70, 4, 5, 13, 70, 14, 8 and 4. क्लास इंटरवल और एफआई गिवन है. हमने निकालना है मीडियन. मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, एन बाय टू और सीएफ. सीएफ निकालिए, वहां से एन आ जाएगा 4. सीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज और फिर ऐसे प्लस करते जाओ. ठीक है. 4 और 5, 9, 9 और 13, 22, 22 और 20, 42, 42 और 14, 56, 56 और 8, 64, 64 और 4, 68. N by 2 is 64 by 2 is 32. ठीक है. अब आपने देखना 32 कहाँ लाइक करता है, इसके अंदर लाइक रहेगा. CF में देखना है 32 कहाँ है. ठीक है, 32 इसमें है तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. यहाँ पे L है, अंडरलाइन लाइन में देखिए लोअर लिमिट. डिस्टेंस देखिए क्लास इंटरवल में कितना गैप है, 20. और CF जो हमने अंडरलाइन किया उसे ऊपर वाला नंबर CF और F उसी में, F जो है उसी में F कितना है, 20. CF और F में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना. F क्या लेंगे हम, ये वाला, CF उसे ऊपर वाला. पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L प्लस N बाय 2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू H. L इज 125, N बाय 2 इज 32, CF इज 22, F is 70, H is also 70. 125 plus 10 is 135 is the median. बिल्कुल ही ठीक. फर्स्ट स्टेप CF निकालिए. CF कैसे निकलता है, ऊपर वाला नंबर लेके प्लस करते जाए ऐसा. ठीक है. H is the distance gap. N by 2 is the, ये N है हमारा. CF उसे ऊपर ला, जो N by 2 आएगा वो हमें ये देखना है कहाँ लाई करते हैं. तो CF उसे ऊपर वाला, F उसी के लाइन वाला, L उसी के लाइन में लोअर लिमिट. हेलो पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज जीरो टू टेन, टेन टू सेवेंटी, 70 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, इतना ही है. 5 H 70 15 Y 5. CF निकालिए. 5 5 plus H 75 plus H 40 plus H plus Y and 45 plus H plus Y. और ये गिवन है 60. N कितना गिवन है, 60. N is 60. तो N by 2 is 30. मीडियन गिवन है, मीडियन is 28.5. ठीक है. अब आप देखिए 30 का लाइक रहेगा, इस 25 से अब हुआ, ये 40 से अब, तो 25 इसमें लाइक रहेगा.
थर्टी जो है। अब एल इज 20, एच इज 10, एफ इज 70 और सी एफ इज उसे अबोव 5+ है। सी एफ इज 5+ एक्स। अप्लाई कीजिए क्या फॉर्मूला, एल 78.5 इज एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड में एफ, एफ इज 70 इंटू में एच, एच इज 10। ठीक है, 10 × 70, 70 इधर आ गया, 8 − 5 इंटू में 2 इज 75 माइनस एच, 30 − 5 = 25। ठीक है, और ये इधर आके 8 − 5 टू से मल्टीप्लाई 17 इज 75 माइनस एच, एक्स इज 8। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दू वाई की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस 8 प्लस वाई इज 60, वाई इज 7। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू मैं निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन पे ध्यान दे थोड़ा। क्या है सीएफ निकल रहा, सीएफ कैसे निकलेगा, इसमें ऐसे प्लस करते जाएं, एन गिवन है एन बाय टू निकल गया, एन बाय टू देख लिया कहां लाई करता है, अंडरलाइन कर दिया एफ सी एफ एल एच, फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू आ जाएगी एफ और वाई की। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।